तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गुब्बारे जैसे फूले फूले मेथी के पराठे की रेसिपी। रिजल्ट आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया पराठे बने हैं। इन्हें खाने के लिए आपको सब्जी अचार किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये यहाँ पर मैंने ली है आधा किलो मेथी और इसे मैंने साफ़ कर लिया है और अब मैं इसे काट लेती हूँ। तो ये मेथी को मैंने काट लिया है। इसके बाद मैं इसे धो कर के छन्नी में झाड़ कर साइड में रख दूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ पर गैस पर चढ़ा दी है कढ़ाई और कढ़ाई में चढ़ा दिया है सरसों का तेल करीब 2 चम्मच। आप जितनी मेथी ले रहे हैं उसकी क्वांटिटी के हिसाब से तेल चढ़ा लीजिए। सरसों के तेल में ही बनाएंगे हम ये। तो मैंने डाल दिया था जीरा, जीरा हल्का सा चटक गया। इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ लहसुन और अदरक, कूट करके डाल रही हूँ मैं, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। इसके बाद इसे इस तरह से चलाते हुए हम हल्का ब्राउन कलर आने तक भून लेंगे। तो ये लहसुन और अदरक भून चुके हैं। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/4 चम्मच हींग, हल्का सा चला देते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे इसमें ये मेथी। मेथी की क्वांटिटी अभी आप देख सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये मेथी पकेगी इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो कंटिन्यू चलाते हुए अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आप देख सकते हैं कि मेथी की क्वांटिटी कितनी कम हो गई है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/2 चम्मच करीब हल्दी, थोड़ा सा चला देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे करीब 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच करीब धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच करीब चिली फ्लेक्स। मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और मेथी की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लीजिए। कंटिन्यू चलाते हुए पकाते हैं थोड़ी देर ताकि मिर्च मसाले अच्छे से पक जाएं। इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इसमें करीब 2 चम्मच भुना हुआ बेसन। बेसन मैं हमेशा घर में भून करके रखती हूँ, तो ये मैंने यहाँ पर डाल दिया 2 चम्मच भुना हुआ बेसन। इससे क्या होगा कि मेथी में जो भी थोड़ा बहुत पानी रहा होगा वो ये बेसन एब्जॉर्ब कर लेगा और जब हम पराठे बेलेंगे तो पराठे फूटेंगे नहीं। इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच करीब आमचूर पाउडर, मिक्स कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि मेथी में इस समय पर बिल्कुल भी पानी नहीं है, ठंडा होने देते हैं। और सबसे लास्ट में हम इसमें मिक्स करेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। तो नमक को भी अब हम यहाँ पर मिक्स कर देते हैं और इसे अच्छे से ठंडा होने देते हैं। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं इसके पराठे। तो ये देखिए आटा मैंने पहले से ही गूंथ करके रखा था। पराठे का आटा आप हमेशा थोड़ा सॉफ्ट रखें, इससे क्या होगा कि जब आप पराठे बेलेंगे तो आपके पराठे बहुत बढ़िया बनेंगे। तो दोस्तों आपको ये पराठे की रेसिपी थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। तो ये देखिए एक रोटी मैंने बेल ली है। अब इसके अंदर मैं ये मसाला डालती हूँ मेथी वाला। मसाला हम अच्छे से डालेंगे इसमें ताकि जब हम खाएं तो इसमें बिल्कुल हमें सब्जी के जैसा टेस्ट आए, जैसे हम मेथी की सब्जी के साथ में पराठे खा रहे हों। तो ये देखिए मसाला मैंने काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में इसमें भर दिया है और अब मैं इसे बेलना स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा सा हम इस तरह से हाथ से बढ़ा लेंगे और मैं आपको इसे बेल करके दिखाऊंगी कि कितना बढ़िया पराठा हमारा ये बेलने में आया है। ये देखिए कितना इजीली मैं इसे बेल रही हूँ और बिल्कुल भी नहीं फट रहा है ये। तो आप भी एक बार इस पराठे की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, फिर आप जब भी मेथी के पराठे बनाएंगे तो आप इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। देखिए बिल्कुल भी नहीं फटाया हमारा पराठा। तो तवा हमारा गर्म हो चुका है, इस पर मैंने हल्का सा घी लगा दिया है और ये देखिए एक साइड से पराठा सिक चुका है। मैंने फिर पलट दिया, फ्लेम को मैंने इस समय पर लो कर दिया है थोड़ा। और अब हम इस पर लगा देते हैं घी। तो घी तेल जिसके भी आप पराठे खाना पसंद करें वो आप लगा लीजिए। और आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया पराठा सिकेगा ये हमारा। ये देखिए बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये पराठे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सिका है और कितना अच्छे से फूला है। बिल्कुल पास से दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए अब मैं आपको एक पराठा और बेल करके दिखा देती हूँ। सभी पराठे आप इस
तरह से बना लीजिए और एंजॉय कीजिए। वैसे तो इसके साथ में आपको दही, अचार, चटनी, किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप इसे दही के साथ में खाइए, बहुत ही बढ़िया लगेंगे। ये देखिए दूसरा पराठा भी मैंने बेल लिया है और कितना इजीली बेलने में आ रहा है। और अब मैं आपको ये दूसरा पराठा सेक करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए दूसरा पराठा भी हमारा कितना बढ़िया फूला है। तो दोस्तों जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। थैंक यू।